आहुरी मजबूत हेब सशस्त्र बाहिनी भारतीय सेनांक शक्ति देखि थरी उठिब शत्रुंक छाती सशस्त्र बलर आक्रमण क्षमता बढ़ाइबा पई प्रस्तुति एथर शत्रु देश को कड़ा टक्कर देव सशस्त्र बाहिनी सशस्त्र बाहिनी बल बढ़ाइबा पई मल्टीमिशन विमान समेत 84,560 कोटी टंकार सामरिक सरंजाम क्रय प्रस्ताव को प्रतिरक्षा मंत्रालय शुक्रवार मंजूरी प्रदान करी। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में प्रतिरक्षा अधिग्रहण परिषद डीएससी प्रतिरक्षा सामग्री क्रय प्रस्ताव अनुमोदन करी। क्रय हेबाकु थिबा सामग्री मध्यरे नुआ पीढ़ीर टैंक विध्वंसी माइंस एयर डिफेन्स टैक्टिकल कंट्रोल रडार ओजनदार टार्पेटोस मध्यम दूरगामी सामुद्रिक पेट्रोलिंग एवं मल्टीमिशन विमान आकाश मार्ग रे युद्ध विमान रे ईंधन भरिबा पई विमान एवं सॉफ्टवेयर रहिछि। तबे क्रय हेबाकु थिबा 15 टी C-295 युद्ध विमान मध्यरु 9 नौसेना को मिलिबाकु थिबा बेले बाकी 6 कोस्ट गार्ड को दिया जिवो। प्रथम 2 विमान को स्पेन रे रूपांतरित करा जिवो। अवशिष्ट 13 विमान को भारत में 38,000 कोटी टंका मूल्य रे निर्माण करा जिवो। भारत वायुसेना चीन एवं पाकिस्तान सीमार थिबा विमान तदारख पई प्राय 9,000 कोटी टंका व्ययरे 6 नूतन नेत्र 1 एयरबोर्न अर्ली चेतावनी एवं नियंत्रण विमान किणिब। एथिपई डीएससी 2 प्रमुख संस्था आईएफ डीआरडीओ रो सामूहिक विकास पई एओएल को मंजूरी देछि। नेत्र 1 को आकाशरे आखि मध्य कहा जाए। एहार कार्य हेउछि विमान एवं अन्य उड़ुथिबा वस्तुगुड़ी को चिन्हट करिबा। नेत्र यहा सहित उड़ुथिबा युद्ध विमान को ए सूचना दै थाए जहां द्वारा से माने संभाव्य विपद को सामना करि परिबे। नेत्र 1 वायुवाही कमांड एवं कंट्रोल सेंटर भाबरे कार्य करे। भारतीय वायुसेनार प्राय 20 वर्षर दाबी को मध्य पूरण करा जाइछि। एहा द्वारा विदेशरु ईंधन भर्ती 6 विमान को क्रय करा जिवो जहां युद्ध विमानर कार्य क्षमता को वृद्धि करिवो। ब्यूरो रिपोर्ट नंदी घोष डिजिटल।